my loves, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all are safe. So आज I'm going to share this look right here, जो कि है दुर्गा पूजा सीरीज का लास्ट लुक, which is look number 6. You guys requested for a black smoky eye look, and this is perfect for Nobumi night. And if you want to know how I achieved this gorgeous look, then please keep on watching. And before starting, if you are new to my channel, then just take a moment and hit the red subscribe button because it's totally free. And you can follow me on my Instagram because my channel पे मेरे अभी giveaway चल रहा है. So if you want to participate, you have to follow the rules. जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा रूल्स का डिटेल्स. एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी इस लुक को क्रिएट करने के लिए, मैं उसका लिंक डिटेल्स शेड सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो. I'm starting with a moisturizer and I'm using here Neutrogena Hydro Boost Gel. ये oily skin वालों के लिए बहुत ही अच्छा moisturizer है. ये like बहुत देर तक skin को hydrated रखता है. And then I'm going to use a primer. And if you have pore problem, like अगर आपका open pores है तो you can use this primer. ये अपने pores को fill कर देता है अच्छी तरह से. ये Nykaa Prep Me Up Primer है. Next I'm going to use Nykaa Skin Genius Foundation in the shade Warm Sand. And it's a beautiful foundation, you guys. I just love the finish of it. And don't forget to apply it on your neck. Then with the beauty blender, I'm going to blend it like nicely. And ये अच्छा बहुत तरह से blend भी हो जाता है. And I just love the finish of it. That's why this is one of my favorite foundations. It's a like sheer to medium coverage foundation, but with a very good like dewy kind of demi matte finish to it. नेक्स्ट फॉर द कंसीलर यू एम यूजिंग मेबलिन एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड मीडियम. एंड अगर आपके पास ये कंसीलर नहीं है तो आपको लाइक यू शुड गेट इट नाउ बिकॉज इट्स एन अमेजिंग कंसीलर यू गाइस. इट्स अ फुल कवरेज कंसीलर एंड इट्स सो लाइट वेट. इट ब्लेंड्स लाइक ड्रीम एंड इट्स जस्ट अमेजिंग यू गाइस. यू शुड गेट इट. एंड आई नो इट्स अ बिट ऑन अ हायर लाइक प्राइसियर साइड, बट इट्स जस्ट वर्थ द मनी. Next to set my concealer in place, I'm using Maybelline Fit Me Loose Powder in the shade 20. And मैं बहुत ही कम अमाउंट पे लेके इसे डैब डैब करके इसे अप्लाई करूँगी ऊपर की तरफ देखते हुए, ताकि मेरे जो क्रीजेस है वो लाइन्स है वो अच्छी तरह से फिल हो जाए एंड कोई भी क्रीजेस का प्रॉब्लम ना आए. मैं इसे अपने स्माइल लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ एंड थोड़ा सा नोज़ के ऊपर भी इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड सेट कर रही हूँ. अपने आईलिड के ऊपर सेट करने से पहले एक बार अच्छी तरह से अपना जो लाइक कंसीलर से ब्लेंड कर ले, उसके बाद ही अपना आईलिड को सेट करे. देन मैं Nykaa स्मोकी आई रेड पैलेट में से ये ब्राउन शेड को लेके कैंगुलर ब्रश के हेल्प से अपना ब्राउज को फिल करूँगी. अगर आपके पास लाइक एंगुलर ब्रश नहीं हो तो आप कोई भी ब्राउ पेंसिल यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सेट माई बेस एंड आई एम यूजिंग Nykaa के सेटिंग स्प्रे. Next, I'm taking this black shade from that Nykaa palette with a flat shader brush. I'm going to apply it on the eyelid. Like mostly, मैं इसे अपने center पे focus कर रही हूँ and you can see मैं downward motion पे से apply कर रही हूँ. मैं Revolution का reloaded palette use कर रही हूँ. इसमें से जो burnt orange shade है इसको लेके मैं अपना black shade को diffuse करूँगी एंड मैं यहाँ पे एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ. एंड यू कैन सी मैं यहाँ पे सर्क्यूलर मोशन एंड इनवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन पे सिर्फ ब्लेंड कर रही हूँ. ऑलवेज टेक योर टाइम. इट्स द की टू गेट द परफेक्ट ब्लेंडेड सीमलेस आई शेडो लुक लाइक आई लुक. Next, I'm going to intensify the black color again with that same flat shader brush that I've applied earlier with. And उसके बाद मैं अपने सेम ब्लेंडिंग ब्रश को लेकर अच्छी तरह से क्रीज लाइन को फिर से एक बार ब्लेंड कर ले रही हूँ. नेक्स्ट टेकिंग दिस न्यूड शेड एक फ्लैट शेडर फ्लफी ब्रश के हेल्प से मैं अपने लोअर लैश लाइन पे से अप्लाई करूँगी एंड ऊपर लाइक अपर आई लुक के साथ उसे मैच करने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे. नेक्स्ट मैं ब्लैक शेड को लेके एक फ्लैट शेडर प्रिसाइज फ्लैट शेडर ब्रश के हेल्प से लोअर लैश पे अप्लाई करूँगी एंड मैं इसे जॉइन कर रही हूँ अपर ब्लैक शेड के साथ. एंड इसके बाद एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के ले हेल्प से मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट टेकिंग दिस शिमरी शेड मैं अपने इनर कॉर्नर्स को एंड ब्राउन को हाईलाइट कर लूँगी.
मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक काजल अप्लाई कर रही हूँ, आप कोई भी काजल यूज़ कर सकते हो। मैं अपने वाटर लाइन पे इसे अप्लाई कर रही हूँ, अपर एंड लोअर वाटर लाइन पे। नेक्स्ट फॉर द फेस पैलेट, मैं यहाँ पे फेसेस कनाडा का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से ब्रॉन्जर शेड लेके अपनी फेस को थोड़ा सा ब्रॉन्जअप करूँगी एंड नोज को भी इसी से ना थोड़ा सा कॉन्ट्रोल इफेक्ट दूंगी। इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस यू कैन स्किप दिस स्टेप, बट डू अप्लाई योर ब्लश एंड हाईलाइटर गाइज। इसका जो ब्लश है उसमें थोड़ा सा शीन है विच लुक्स एक्चुअली वेरी गुड ऑन चिक्स। नेक्स्ट आई एम टेकिंग अ फैन ब्रश एंड मैं अपने फेस का हाईएस्ट पॉइंट को हाईलाइट करूँगी एंड इट्स अ ब्यूटिफुल हाईलाइटर विथ लाइक ब्लाइंडिंग इफेक्ट। नेक्स्ट फॉर द लिपस्टिक आई एम यूजिंग लाइक मे 95 वेटलेस मूज लिपस्टिक इन द शेड रोज टच एंड इट्स अ ब्यूटिफुल मॉविश न्यूट शेड एंड इट्स परफेक्ट फॉर दिस लुक। नेक्स्ट मैंने फॉल्सेस अप्लाई किए हैं एंड मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉल्सेस का। उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया है मेबेलिन हाइपर कर्ल एंड हियर इज माय फाइनल लुक यू गाइस। मैंने इस लुक को थोड़ा सा यू नो एथनिक इफेक्ट दिया है एक नोज पिन के साथ, एक चोकर के साथ एंड मैंने साड़ी वेयर किया है। अगर आपको लाइक एथनिक पे इसे नहीं वेयर करना है तो आप किसी भी यू नो वेस्टर्न लुक के साथ भी इसे पहन सकते हो, लाइक टॉप हो या फिर यू आर वेयरिंग कोट सेट और समथिंग लाइक दैट, यू कैन कैरी दिस लुक विद दैट टू। So yeah guys, that's it for my today's video. I hope you guys enjoyed it. And agar aap is look ko create karte ho, so don't forget to tag me on my Instagram. If you have any other video series suggestion or any video suggestion, you can comment it down in the comment box below. And I'll see you guys in my next video. Till then, bye, take care, and a very happy and safe Durga Puja to you all guys. Bye.